हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही है, हम लोग भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए अभी जो है, इससे पहले जो है मैथ में जो है आपका प्रॉफिट लॉस जो है समाप्त हुआ है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस में ही इससे जस्ट आगे जो है डिस्काउंट चलता है, उसी में जो है छूट की बात होती है। कुछ खरीदेंगे तो छूट वगैरह जो मिलता है, तो क्या खरीदे हैं, कितना छूट है, कैसे कैसे ये होता है। देखिए ये डिस्काउंट है, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, और ये जो है हिंदी में छूट या बट्टा बोलते हैं। और बाकी जो है कमेंट्स बार बार आ रहे हैं कि इंग्लिश में इंग्लिश में, तो अभी जो है टीम काम कर रही है, सारी चीज़ें जो है डुअल लैंग्वेज में होगा। आप घबराएं नहीं, बस चैनल में बने रहिए, विश्वास आप रखिए, सब कुछ जो है आपके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर ये डिस्काउंट है क्या। सबसे पहले आप इस बात को एकदम समझ लीजिएगा कि पहले जो है जो प्रॉफिट लॉस की बातें की गई हैं, उसमें आपने उसको आपको अच्छे से समझना होगा या समझे हुए होंगे। तो आप देखिएगा डिस्काउंट है क्या। देखिएगा ये इसमें जो है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसी में जो है आपको एक एमपी की बात किया था। एमपी का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। तो आप ये समझ लीजिएगा एक चीज़, दिमाग में जैसे प्रॉफिट लॉस में बताया था वैसे इस वाले में सेट कर लीजिए, डिस्काउंट वाले चैप्टर में, कि आपका डिस्काउंट यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। अंकित मूल्य क्या है ये पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जैसे प्रॉफिट लॉस उस समय आप निकाल रहे थे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप निकाल रहे थे, तो वो हमेशा सीपी पर ही उसकी गणना की जाती थी। लेकिन इस समय अगर आपको डिस्काउंट पता करना है कि डिस्काउंट परसेंट होता कितना है, निकालना है, तो वो हमेशा आपको एमपी पर ही निकालना होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये क्या है। जैसे आप ध्यान से इस बात को देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप फार्मूले रटेंगे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार समझ लो, एक बार आप जो है चैनल पर विश्वास करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ, आप निराश नहीं होंगे। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे देखिएगा ये हमारे पास सीपी है, और सीपी पर मान लीजिए कि कुछ परसेंट का हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि 100 था और उससे जो है हमें पी परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तो अब आप बता सकते हैं ये क्या है। देखिएगा ये वाला केवल सीपी है, लेकिन अब ये वाला हमारा जो है एसपी हो गया है। बात समझ में आ रही है। जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु है, आप उसे 25% लाभ पर बेच दिए यानी प्लस 25 कर दिए, तो अब ये आपका क्या हो गया 125। तो ये 100 रुपये की जो वस्तु है, ये 100 रुपया आपका सीपी था, और ये वाला अब जो है आपका एसपी हो गया है। बात समझ में आ रही है। तो वही मैंने किया है कि ये हमारा सीपी है, उसी पर कुछ परसेंट का आपका प्रॉफिट हुआ है, तो अब ये एसपी बन गया है। अब आइएगा इधर से, अब इधर देखिएगा ये हमारा जो है एमपी है, और एमपी पर यानी मार्क प्राइस पर हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट परसेंट दिया, परसेंट की बात कर रहा है, तो 100 से जो है डिस्काउंट का मतलब छूट, छूट का मतलब माइनस, ये हमने डिस्काउंट कर दिया। तो आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, और उसने उस पर जो है इस वस्तु पर मार्क किया गया है, मार्क प्राइस है, ये 100 रुपया लिखा है, बोला कि आपको 20% का मैं छूट दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने किया कि 20% यानी 100 पर 20, तो 100 रुपये में 20 रुपये की छूट दे दिया, तो ये आप पहुंच गए हैं, यानी 80 रुपया आपने पे किया और वो आपको सामान दे दिया। इसका मतलब कि उस वस्तु को आपने खरीद कर लाया है 80 रुपये में, तो 80 रुपये ही तो आपका एसपी है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा एमपी है, ये वाला हमारा एमपी है, एमपी पर डी परसेंट का जो है हमने डिस्काउंट दिया, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, तो ये अब जो है आपका पूरा एसपी बन गया है। अब आप देखिए क्या दोनों एसपी बराबर होगा क्या आपस में, इधर भी एसपी
और उस तरफ भी एस पी। तो अब आप देखिएगा इधर से कि ये आपका सी पी है और इस एम पी को मैं इधर लेके चला रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, बीच में इक्वल है, उस तरफ में क्या है कि ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे में 100 प्लस ये क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो ये जो है आपका एक बेहतरीन फार्मूला निकल के आता है यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फार्मूला है लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके सामने इसको निकाल के दिखाया है, बात समझ रहे हैं। तो आप देखिएगा इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आपको आगे आपको मिल रही हैं, यहाँ से आप देखिएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ और आपको इसमें बता देता हूँ बातें, आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्या है, सुनिएगा बात समझिएगा। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि हमारा कोई वस्तु 100 रुपये का है, बात समझ में आ रही है, 100 रुपये का है और इस पर जो है आपको 20% की छूट मिल गई, 20% का क्या मिल गया, छूट मिल गया। तो आप देखो 100 रुपये की वस्तु है और 20% की छूट मिल गई, इसका मतलब कि आपने 80 रुपये में खरीद के ला और फिर इस 80 रुपये पर फिर वो बोल रहा है कि एक और आप छूट ले लीजिए, यानी क्रमिक छूट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमिक छूट, लगातार छूट, लगातार दो छूट दे रहा है इस 100 रुपये की वस्तु पर, एक हमने 20% ले लिया और एक जो है मान लीजिए कि 10% को आपको छूट देता है, दो लगातार, तो एक्चुअल जो है छूट क्या होगा, ठीक है, ये जो है मतलब एक्चुअल दो छूट देने के बाद वस्तु को आप कितने में खरीदेंगे या आपका जो है एक्चुअल छूट क्या होगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, दोनों को जो है क्रमिक छूट इसका निकालना है, 20% और 10% का क्रमिक छूट, ऐसे सवाल पूछता है, आप लगा रहे होंगे तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो अब यहाँ से फिर आपको 10% की छूट मिल रहा है तो 8 का 10% निकालिएगा, 80 का 10% 8, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका 72, यानी आप बात को समझिएगा कि जो 100 रुपये की वस्तु थी, जो वस्तु 100 रुपये का मार्क था, अब वो हमको दुकानदार बेच रहा है कितने में, 72 रुपये में, इसका मतलब ये है कि हमें छूट कितने की मिली है, तो ये आपका जो है 28 का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 28 का, तो यही 28 जो है आपका क्या है डिस्काउंट, इन दोनों का क्रमिक छूट है। जैसे किसी वस्तु पर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कि बुक ही है ये, ठीक है, इस बुक पर जो है आपको कोई दुकानदार बोल रहा है कि लीजिए 20% की छूट और 10% की छूट, दो छूट दे रहा हूँ आपको, तो देखने में तो लगेगा कि दो बार दिया है, तो ये हमारा छूट हो जाएगा 30%, ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, बात ये है कि दो लगातार छूट दे रहा है तो इसका मतलब कि वो 28% हमको छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है 28% की छूट दे रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस छूट को आप समझ रहे होंगे, सॉरी थोड़ा सा अभी ठीक है इसको साइलेंट कर दीजिए, तो समझ रहे होंगे ये जो है आपका ऐसे ही क्रमिक छूट निकलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि आपको बुक वगैरह में आप पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला लिख के दिया जाएगा कि क्रमिक छूट के लिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100 और ये आपका जो है परसेंट। इसी पर आप देख लीजिए, दो हमारा क्रमिक छूट था, क्या छूट था, क्रमिक छूट दो दिया था, तो दो मतलब ये एक्स का मतलब 20 रख लीजिए, एक्स का मतलब 20 रख लीजिए और वाई का मतलब 10, अब प्लस 20 × 10 और बटे में ये 100 है और ये बाद में परसेंट, तो ये 20 × 10 = 30 हो जाएगा और यहाँ पे एक्चुअली में माइनस होता है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये जीरो कट जाएंगे दो, तो ये आपका कितना परसेंट, 28%। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, मैं कोशिश ज़्यादातर ये करूँगा कि आप केवल एग्ज़ाम में जो है दिमाग लेके जाइए, आपको फार्मूले ले जाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं इस स्तर से आपको पढ़ाऊंगा कि कोई फार्मूला आपको ले जाने की जरूरत, मिनिमम फार्मूले का यूज़ करेंगे, दिमाग है हम लोग कर लेंगे। जैसे इसी को आप देख लीजिए, आप इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं, 100 नहीं, कुछ भी 1600 1800 3200 कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसे निकाल के आप कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो देखिए उसके बाद से देखिए मैं भी टाइप वाइज आपको बनाया हूँ ताकि आपके दिमाग को हल्के हल्के में जो है चीज़ें दिमाग को हल्के हल्के तरीके से भेजा जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोई टाइप नहीं है पढ़ाई का, कोई मैथ का कोई टाइप नहीं है। एक बार आप मैथ समझ लीजिए, क्वेश्चन बस मत समझिए, क्वेश्चन मत रटिए, एक बार मैथ ही समझ लीजिए, पूरा खेल ही समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सारा खेल समझने का है, आप समझ लो, रटिए कुछ मत कि ये टाइप का सवाल आएगा तो ये हम करेंगे, ये टाइप का सवाल आएगा तो ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाएगा सवाल हम कर लेंगे, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं समझ रखा हूँ, मैथ ही समझ रखा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग देखते हैं, मैं भी ऐसे किया हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ये ना लगे कि, देखिए क्या लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब ये है, अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 100 रुपया है। बहुत छोटा सवाल है, 100 रुपया है सवाल में दिया है, ठीक है। और 20% और 40% की बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी दो लगातार आपको छूट मिल रहे हैं। तो आप या तो ऐसे कर लो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान में 100, ठीक है, और ये रहा आपका परसेंट। तो दोनों छूट को मिला के एक छूट बनाना है पहले, उसके बाद से आप इस पे देख लो कि कितने की छूट मिल रही है। ये बात है, ये क्रमिक छूट इसका बोलते हैं। तो आप इसमें रख लीजिए 20 और ये आपका 40 माइनस 20 × 40 और बट्टे में क्या है, 100 है, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो आप देखिए ये 60 हो गया, 60 में से 8 घटाएंगे तो ये ये आपका 52 हो जाएगा। तो 52% यानी 100 की समान है, जो 100 की समान है उसमें 52 का छूट मिल गया आपको। तो 52 का छूट मिल गया यानी 100 का जो सामान है वो आपने खरीदा कितने में, 48 रुपये में। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए मैं ये कह रहा हूँ हमें फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी हम कर लेंगे। कैसे? तो देखिए इसी सवाल में देखिएगा कि एमपी हमारा कितना दिया है, 100 रुपया। पहले छूट कितने की दे रहा है, पहले वो छूट दे रहा है 20%। तो आप 20% का मतलब ये हुआ कि आप इसमें से जो है इसका 80% आप निकाल दीजिए, 20% तो छूट हो गया, बच गया 80%। तो 80% इसका निकालेंगे तो 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, अब उसके बाद से आपको बोल रहा है कि इस पर, इस 80 रुपये पर फिर एक बार बोला है कि नहीं नहीं आपने और 40% छूट ले लीजिए। तो 40% का मतलब ये है कि आपका जो है कितना, ये जो है 60%, अब 40% तो छूट हो गया यानी 60%। तो 60% का मतलब ये हो गया, तो 80 का आप ऐसे देख लो, छोटे छोटे कैलकुलेशन आप मन में ही कर लो। बात समझ में आ रही है ना? 60% निकालना है मतलब 20 से 20 कट जाएगा, नीचे 100 है तो, और बाकी 48 हो जाएगा, ये 48। तो ये जो है आपका अब SP हो जाएगा। अगर दुकानदार यहाँ 100 का सामान जो रखा है दो क्रमिक छूट देगा तो आपको जो 100 वाली सामान है, वस्तु है, वो आपको कितने, 48 रुपये में मिलेंगे। तो यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे दूसरे नंबर सवाल पे आइएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें दिया है आपको विक्रय मूल्य दे दिया है, ठीक है, और क्या है अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है। तो कह रहा है कि शर्ट का अंकित मूल्य बताइए। आप ये देखो यहाँ से आ जाइए कि मान लीजिए कि हमारे पास मैं मान लेता हूँ, लेट MP बराबर मैं मान लेता हूँ X, ठीक है। तो आप देखो कि इस अंकित मूल्य पर पहला छूट कितने का है, 20% का छूट है। तो 20% का छूट का मतलब 20 तो छूट गया, बच गया कितना, 80%, ठीक है। अब फिर वो बोल रहा है कि फिर आपको 10% की छूट मिल रही है, तो 10 तो छूट गया, इसका मतलब कि 90, ठीक है। और ये MP था,
और डिस्काउंट करने के बाद से क्या आता है, एसपी आता है, और एसपी हमको दिया है कितना है 864 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो आप ये जीरो से ये जीरो कट करिए, इस जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा x बराबर 864, ठीक है, और गुणे में ये 100 है और बटे में क्या आ जाएगा 8 और ये 9। तो आप इसको 8 से कटा लीजिए, एक बार 9 से कटा लीजिए। तो मैं 9 से ही पहले कटा देता हूँ, तो 9 के टेबल में मुझे कहीं 4 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ से 8 से कटा देते हैं, तो एक बार जाएगा और 0 होगा 8, ठीक है, और ये इसको कटाएंगे तो 12, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1200 रुपये। इसका मतलब है कि जो 1200 रुपये का अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, आपको दो लगातार छूट देने के बाद कितने रुपये में वो बेच रहा है, 864 रुपये में बेच रहा है। बात समझ में आ रही है? आप इसी सवाल को चाहेंगे तो छूट ऐसे निकाल लेंगे जैसे मैं प्रॉफिट लॉस में बताया था कि 20%, तो 20% का मतलब है 1/5, और 10% का मतलब है 1/10, यानी जो मान लीजिए कि अंकित मूल्य हमारा है, तो अगर 5 का जो सामान है उस पर 1 का छूट दे दिया तो मतलब ये है कि 4/5 में दे दिया। अब फिर उसी पर 10 का सामान 1 का छूट यानी 9/10 में दे दिया, और यही छूट अंकित मूल्य पर जो आप छूट करते हैं तो आपका ये क्या आ जाता है, एसपी निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका एमपी बराबर निकल के आ जाएगा 1200 रुपये, यही आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, एकदम आसान है ये वाला, यही है, बस थोड़ा सा जो है ये मैं बोला था कि आप पहले ही याद कर लो, जब पहले दिन में पढ़ाया था प्रॉफिट लॉस तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताया था, और उससे पहले जो है आपको ये सारी चीज़ें परसेंटेज में बता दी गई हैं। कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन से जो है टाइम थोड़ा सा कैलकुलेशन कम लगेगा, यानी टाइम सेव होगा। टाइम जब सेव होगा तो आपका जो कठिन सवाल होंगे उस पर ज़्यादा टाइम देकर आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा है। ये तो कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, मतलब कोई भी पुस्तक विक्रेता है वो 10% की छूट कर देता है। कह रहा है कि 10% में छूट देता हूँ, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसमें सीपी की भी बात कर रहा है, यदि अंकित मूल्य ये है। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि सीपी जो है हमारा, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा सीपी है जिसको निकालना है, अंकित मूल्य ज्ञात करिए, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। और देखिए कह रहा कि 8% का लाभ हानि किस पर होता है, लाभ हानि आपको क्रय मूल्य पर होता है। तो कह रहा है कि 8% का लाभ यानी जो 100 का सामान होगा वो 108 में, ये अकेला सीपी है, लेकिन अब ये पूरा जो है एसपी है। पहले शुरुआत में यहीं से किया था, ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो पूरे जो है ना डिस्काउंट का खेल ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा, ये आपका एसपी हो गया। अब आप सुनिएगा, छूट की बात कर रहा है, छूट मिलता किस पर है, तो आप कहेंगे कि छूट तो मिलता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य आपका कितना है, 120 रुपया इसमें दे रखा है। 120 पर कह रहा है कि 10% की छूट, यानी 10% छूट कर दिया, यानी वो 90 में 100 की वस्तु 90 में बेचा होगा। तो ये जो है आपका एमपी है, लेकिन ये वाला अब पूरा एसपी है, इसी वजह से तो दोनों बराबर हुए हैं। बात समझ में आ रही है कि ये एमपी है, एमपी पर कुछ छूट जब करता है तब हम लोग सामान खरीद लेते हैं, और जिस पर हम सामान खरीदते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य है, या जिस पर जो बेचता है वो उसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या चीज़ है। तो देखिएगा, ये सीपी हमें निकालना है, और ये जो है यहाँ पे 120 है, और ये आपका 90 है, और ये अपान में 100 है। इस 100 को मैं ऊपर यहाँ पे 100 कर दे रहा हूँ, और इस
108 को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, तो आप 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा समय कैंसिल जब कर रहा हूँ तो पेन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा, ये जो है ना 12 दहैया, अब 12 नवा और 9 दहैया, इसका मतलब कि सीपी जो है आपका निकल के कितना रुपया आ गया, 100 रुपया आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ रही है? आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे अगर समझे हुए हैं तो क्या चीज़, तो देखिएगा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ना ये लिपा पोती करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप ना मेरी बात ध्यान से बस एक बार समझ लीजिए। मैं आपको शुरू में ही आपको बताया था, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूँ। क्या मैंने आपको शुरू में बताया था, आप देखिएगा कि शुरू में आपको मैंने बताया था कि ये जो है हमारा सीपी है और ये जो है हमारा एमपी है, ठीक है। सीपी और एमपी का रिलेशन मैंने शुरू में आपको दिखा रखा है कि ये जो 100 की वस्तु है उसी पर आपने जो छूट दे रखी है वो आपका सीपी हो जाएगा, और ये जो 100 की वस्तु है उसी पर आपका कुछ परसेंट का लाभ होगा तो वो आपका एमपी, ये रेशियो निकल के आ जाता है। तो ये सीपी और अपान एमपी और बराबर में क्या होगा, 100 और कितने प्रतिशत की छूट, तो 10 की छूट, तो ये रहा आपका 10। और कह रहा कितने प्रतिशत का लाभ, तो 100 पर 8 का लाभ, तो सीपी अपान एमपी बराबर ये 90 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा, ठीक है, और 108 हो जाएगा। अब आप चाहेंगे तो 12 दहैया और 12 नवा, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि सीपी जो है और सीपी और एमपी का रेशियो हमारा निकल गया है कितना, 10:9। और ये जो नाइन है आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे दे रखा है कितना, 100, और आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है 120, तो ये रहा आपका 120 ही है, तो आपका ये कहीं गलत कर दिए हैं, 12 गलत कटा दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। इसको आप क्या कर लीजिए, 9 से कटाएंगे तो 9 दहियाँ और 9 12 नवा, बस ये, ठीक है, ये आपका 12 होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपका जो है 12 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू दी रखी है 20, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 10, तो ये जो है 10 यूनिट की वैल्यू 10×10 बराबर 100, यही तो हमारा आंसर था इसमें भी और उसमें भी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैं समझाया हूँ, अगर आप समझ गए हैं, ये आपको चीज़ें समझ रखी है पहले से, तो आपने देखा कि 10% का डिस्काउंट दे दिया, आपने देखा कि 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी सीपी हमारा 90 हो गया तुरंत। हम देखते ही, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेन उठाएंगे तो ही आपको ये आएगा सवाल, ये आप करेंगे, आप ऐसे ही देख लीजिए कि एक विक्रेता 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट दिया, इसका मतलब सीपी जो है हमारा 90 हो गया। कहाँ से, तो ये वाला जो है मैंने शुरू में आपको समझा रखी है, यहाँ से तो 90 हो गया। एमपी जो है अब कह रहा है कि 8% का लाभ, तो एमपी हमारा हो गया ये, तो आप इसको कटा लो, 9 से कटाएंगे तो ये 10 होगा, इसको 9 से कटाएंगे तो 12 होगा, ये 12 की वैल्यू हमको दे रखी है 120, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 100, 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। बिना पेन उठाए भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है। ऐसे आप करते कब तक करते रहेंगे, उससे अच्छा है कि आप ऐसे दिमाग, थोड़ा सा दिमाग का लेवल बढ़ाइए और मेरे साथ जो है सीखते चलिए, समझ रहे हैं ना। आप ध्यान से सीखेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे जो है मैं ऐसे सिखाता हूँ और वो समझ भी जाते हैं, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो है बात, तब तो दिक्कत होती है ना जब चीज़ें उड़ के आती हैं, तब दिक्कत होती है कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये होने लगती है। मैं तो शुरू में ही आपको बता रखा है कि आपको ये मैं जो बताऊंगा वो कोई चीज़ उड़ के नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ आता कहाँ से वो मैं बताऊंगा। तो ऐसे देखिए आया है, आप खुद ही समझ ले रहे हैं, शुरू में आपको बताया था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट में
ये क्या बोल रहा है। मैं शुरू में ही बोल दिया, टाइप पे आप ध्यान नहीं देंगे, टाइप वाइप से कोई मतलब नहीं है, हमको एक चीज़ से मतलब है कि कैसे डिस्काउंट होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट किस पर होगा, प्रॉफिट किस पर होगा। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आपको ना कोई टाइप से मतलब नहीं है। सवाल आप मुझे दीजिए और आंसर लीजिए, और उधर से सवाल दीजिए, इधर से आंसर ले जाइए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक जो है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, यानी MP आपको दिया है कितना, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ है एक मोबाइल फ़ोन का जो है दाम। कह रहा है कि जिस पर ये अंकित है, उस पर छपा हुआ है, जिस पर 10%, 20% और 30% की छूट मिलता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। आप यहाँ से देख लो, आप चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप ना, ये ऐसे देख लीजिए। क्या मैं आपको शुरू में बताया था, ये बताया था कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन में 100, तो ये तो दो के लिए है। आप कहेंगे कि ये तो दो के लिए है, इसमें तो तीन हमें छूट दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इन दोनों को लेकर दो बना लीजिए, ठीक है, इन दोनों को लेकर एक बना लीजिए, और फिर एक ये हो जाएगा, इसका क्रमिक छूट कुछ आएगा, और फिर ये एक दो हो जाएगा, तो फिर एक्स प्लस वाई, दो आपको फार्मूले दो बार, यही फार्मूले दो बार लगाने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20, मैंने पहले ये दोनों लिया है, ठीक है, सवाल से ये चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ कि ताकि आपको सवाल लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, और ध्यान रखेंगे आप केवल मूवी की तरह क्लास अटेंड मत करिए, कॉपी पेन जरूर अपने पास में रखिए, ठीक है, मुझसे नहीं, आप किसी से भी पढ़ रहे हो बिना कॉपी पेन का मत पढ़िए, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि पढ़ाई जो है मूवी नहीं है कि आप देख के, मूवी का एग्ज़ाम होता नहीं है, इसका तो एग्ज़ाम होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया 100, तो ये 0 से 0 और ये, तो आपका क्या हो गया 30 और ये 2 यानी 28, यानी एक अब जो है ये दोनों मिलके एक बन गया 28%, और ये आपका एक और है 30%, अब फिर इसको आप x मानो, इसको y मानो, मुझे लग रहा है ना कि अब लोचा होना शुरू हो जाएगा, देख लीजिए खुद ही, 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 और बटे में 100, यहाँ तो 0 था, यहाँ भी 0 था, तो आप कट कर दे रहे थे, अब क्या करेंगे, अब दशमलव में जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप यहाँ से देखिएगा कि 5,000 की कोई वस्तु है जिस पर मार्क, उस वस्तु पर मार्क किया गया है, ठीक है, अब मैंने बोला, सवाल ने बोला है कि 10% की छूट, यानी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी जो सामान 10 का होगा एक का छूट दे दिया तो 9/10, ठीक है। अब देखिएगा 20% की छूट, तो 20% की छूट का मतलब ये है 1/5, इसका मतलब ये है कि 4/5 हो जाएगा, छूट बोला है तो। अब आइएगा, एक बोला है 30% की छूट, तो 3/10 हो जाएगा, 30% का मतलब 3/10, और छूट की बात किया है तो 7/10 हो जाएगा, 10 में से 3 तो छूट कर दिया, बच गया सब। तो अब इसी को कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए, तो ये तो MP था, ये वाला क्या था, ये वाला तो MP है, ठीक है, ये वाला तो MP है, लेकिन अब ये पूरा जो है SP बन गया है, और आपसे SP ही पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए, ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसी को गुणा कर दे, ये 36, और ऐसे कर लेते हैं, देखिए 28 9 200 कितना होता है 16, ये रहा आपका 216, और इसी में 10 से गुणा करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एक बार और 28 और 28 8 224 28 9, अच्छा कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार और 28 और ये 9, तो 72 के 2 202, 28 9 202, ठीक है, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है, 28 9 252, तो 252 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है 2520 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, यही आपका आंसर है, बात समझ में आई है। थोड़ा बहुत धीरे धीरे आप टेबल भी याद करते रहिए,
मेरा ज़्यादा दिन हुआ तो अभी मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े देशों में जानते हैं छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ये देखिए, आप ऐसे जो है इन तीनों का क्रमिक छूट निकालेंगे, फिर उसके बाद इस 5,000 पे वो क्रमिक छूट लगाएंगे, तब आपका आंसर आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो मैंने चीज़ें आपको परसेंटेज में बता रखी है, दो चार आप याद कर लो और बाकी निकालना सीख जाइए जो मैंने सिखाया है। उसके बाद से आधे अगर इस सवाल में आपको, मैं आपके लेवल तक जाके मान लीजिए कि ये कह रहा हूँ कि एक मिनट लग रहा है, तो अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस सवाल को 30 सेकंड में आप कर लेंगे। यहाँ से आधा यानी आपका आधे टाइम लगेगा, इस बात को समझ लीजिए। और बाकी जो है टेबल वगैरह थोड़ा सा याद करते रहिए। एक चीज़ मैं आपको एकदम 100% अभी बताना चाह रहा हूँ, ये बताना ज़रूरी भी है। अभी जो है आपका ऑप्शन नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, अभी ऑप्शन नहीं है। टीम हमारी काम कर रही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ड्यूअल लैंग्वेज में आएगा, क्वेश्चंस स्क्रीन पर रहेगा और विथ जो है ऑप्शन रहेगा। तो मैं आपको सॉल्व करना तो सिखाऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप सॉल्व ना करके केवल आप ऐसे टिक लगा देते, वो वाला तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कुछ सवालों को, पूरे सवाल तो नहीं लेकिन कुछ सवालों को आप देखेंगे और देख के ही टिक लगा देंगे कि ये आंसर होगा। ये 100% मेरी गारंटी है। जो बच्चे ऑफलाइन मेरे क्लासेस में रहते हैं वो मुझे जानते होंगे, जो लोग देख रहे होंगे ये बात समझ रहे हैं। तो और जो लोग क्लास ले रहे हैं या जो बातें मैं बता रहा हूँ अभी वो समझे हैं, तो कमेंट्स में जो है यस या नो कर दीजिएगा, ताकि नए बच्चे भी समझते रहें, उनका भी लगाव होता रहे। मैं शुरू में ही बोला हूँ, आप एक बार विश्वास करिए, ठीक है, आप जो है कभी जो है निराश नहीं होंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या। अच्छा देखिए, ये जो है आप देखिएगा, नेक्स्ट इसमें छूट गया था तो मैंने है हाथ से ही लिख रखी है। क्या दिया है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। यानी कोई वस्तु है उसको 20% की क्या कर दी गई, छूट दे दी गई। तो जो भी वस्तु होगा, प्रतिशत की बात कर दिया, इसका मतलब कि 100 की वो बात कर रहा है। तो अगर वो वस्तु 100 अंकित होगा तो उसी पर 20 की छूट दे दिया, यानी 80%। क्या चीज, 80%। 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 24, ठीक है। तो आपको निकालना है कितने की, 100% की वैल्यू निकालना है, यही तो पूछ रहा है कि आप अंकित मूल्य बताओ। तो आप ये देखो कि पहले यहां से एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं एरो की तरह कर दे रहा हूँ, 24, और ये 80 इधर आ जाएगा तो ये बटे में ये। तो हमको निकालना कितना है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% बन गया। तो आपको इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए, 20 4 4 6 24, और ये कितना आ गया, 30 रुपीस। यानी उसका अंकित मूल्य जो वस्तु है उस पर जो है उसका प्राइस अंकित किया गया था 30 रुपीस, समझ में आ रही है। और 20% का उसने क्या कर दिया, छूट दे दिया। तो आपको कितने का मिल गया, 30 रुपये का मिल गया। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये जो है, मैं आप चाहेंगे तो आप ऐसे मान लीजिए इसी सवाल को, आप मैं ये कह रहा हूँ कि जितना एक्स वाई जेड कम मानेंगे आपका टाइम कम लगेगा। ये केवल देखिए, जब भी अर्थमेटिक की बात होगी तो अर्थमेटिक इमोशंस पे चलता है, और मैं अर्थमेटिक को महसूस करने की ज़रूरत है। देखिए बात तो दिया है ऐसे कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट 20% छूट, यानी अंकित मूल्य अगर हमारा एमपी है तो इसी पर 20% का छूट,
इसका मतलब कि 80/100 और ये आपका बन गया विक्रय मूल्य ऐसे। अब देखिए ये चीज़ें लिखने में जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि आप ऐसे करो, एरे लगाओ, तुरंत करते जाइए। आप चाहेंगे तो ये चीज़ें जो है मन में भी सोच सकते हैं कि हमको 80 की वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका मतलब है कि ये अगर 5 से इसमें भाग कर दूँ, 5 से इसमें भाग कर दूँ, आप खुद ही सोचो, सोच की बात है, तो ये 20 बन जाएगा। और फिर से इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो 100 बनाना है तो 20 कर देंगे, ये 5 से करेंगे, अच्छा नहीं 5 से नहीं 4 से करो इसमें भाग, इसमें भी करो 4 से भाग, तो ये अब बन जाएगा 20। अब फिर 5 से कर दो तो ये आपका 6 × 6 = 35, यही तो 30 आंसर है। तो आप ऐसे एक्स वाई मान के करेंगे या ऐसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें जो है आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं और ये जो है आपका सवाल है, देखिए ये क्या सवाल दे रहा है आपको कि इसमें दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बेचा जाए तो वस्तु कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगा। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या बोल रहा है, ये समझिए कि अंकित यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, आप इधर देखो पहले समझ लीजिए इस बात को, एक काम करते हैं मैं पहले ना ऐसे बता देता हूँ आपको, देखो कैसे आपने पढ़ रखी है पहले, ये आप देख लीजिए क्या दिया है। देखो कि अगर मान लीजिए कि ये CP है और ये बोल रहा है कि ये MP है, ठीक है, और कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी ये वाला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, यानी अगर ये हमारा 100 है तो ये हमारा कितना है 140, तभी तो 40% अधिक होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि और वह 25% की छूट पर बेचा जाए, 25% की छूट पर क्या कर दी जाए, बेचा जाए, यानी 140 की वस्तु है और 25% की छूट यानी 140 का 75%, ठीक है। आप खुद ही देख लो, ये सारी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा छोटा वैल्यू लिखना पड़ेगा, कैसे तो देखिए, वैसे भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए मैं शुरू में क्या बोला है, 40%, तो 40% का मतलब 2/5, ठीक है, और फिर बोला है 25%, तो 25% का मतलब हो गया आपका 1/4। तो अब आप देखिएगा यहाँ से कि ये हमारा CP है, ये हमारा जो है SP है और ये हमारा जो है MP है, ठीक है। तो अब देखिएगा 40% अधिक क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य यदि हमारा 5 है तो 5 से 40% अधिक यानी 5 से 2 अधिक तो 7 अंकित करता है। अब क्या बोल रहा है कि और वह 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट देने का मतलब ये है कि अगर वस्तु 4 की है, वस्तु 4 की है तो एक छूट 3 पर बेच दिया। तो अब आप देखिए कि एक वस्तु ऐसा है कि जो दोनों जगह है, MP इस वाले लाइन में भी है MP और इस वाले लाइन में भी MP है, लेकिन अलग अलग है, एक ही आदमी अलग अलग कैसे होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों लोगों को बराबर कर लेते हैं। इसमें बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको बराबर करने के लिए 7 से, इसका उठा के इसमें गुणा और इसका उठा के इसमें गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो आपने पहले वाले में 4 से गुणा किया तो ये भी तो पहले वाले का ही पार्ट है तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, ये दूसरे वाले का पार्ट है तो दूसरे वाले में 7 से तो इसमें भी 7। तो अब आप CP देखिए हमारा कितना बन गया 20 और SP हमारा कितना बन गया 21, और कह रहा है कि हानि या लाभ होगा। तो आप यही सब इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 20 का सामान है 21 में बेच दिया तो उसको लाभ कितने का हुआ, एक का लाभ हुआ किस पर, तो 20 पर, और प्रतिशत निकालना है तो 100, 20 25 100,
यानी 5% आपका आंसर होगा। 5% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। देखिए बात यह है कि ऐसे भी आप करेंगे तो पहुंचेंगे यहीं पे, लेकिन आप खुद ही देख लो कि आधे से अधिक चीजें आपने पहले से कर रखी है। जो 40% लिखेंगे अधिक, तो 40% अधिक का मतलब ये है कि 100 और 140, लेकिन वहीं पे कोई बच्चा 2 और 5 लिख रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो आप इसी को आप देख लीजिए कि अब इसको 75% निकालेंगे तो यहीं से आप सोचना शुरू कर देंगे, ओ क्या इसको कटा देते हैं, कहेंगे कि इसको 0 से 0 कटा देते हैं, फिर इसको कटा देंगे 5 से तो 15 बार में कटेगा, इसको 5 से कटाएंगे तो 2 बार में, ये कटाएंगे तो 7 बार में, तो कहते 15 7 105, तो 105। अब ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा हो गया, ये तो SP हो गया क्योंकि छूट दिया है, तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया आपका 5 ज़्यादा, तो 5%। अगर आप XY ना मान के ऐसे कर लो या ऐसे कर लो तो भी आपका एक ही बात है, ये भी आपका उतना ही आसान है, इतना नहीं कि कठिन है, लेकिन अगर आप XY उसमें डालना शुरू कर देंगे तो फिर जो है आपका दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो आइए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये जो है इरेज करके आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आप ना एक बार, बस एक बार मैथ समझ लो, समझ रहे हैं, सवाल मत समझिए आप, एक बार आप ना मैथ ही समझ लो, खेल समाप्त हो जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार आप मैथ ही समझ लो, उसके बाद से कोई भी सवाल कोई दे दे आंसर उसका झटाक से आप दे दीजिए, समझ रहे ना। अगर सवाल समझेंगे तो वही उसी टाइप के सवाल अगर आएंगे तो आप करेंगे, थोड़ा सा भी सवाल में चेंजिंग हुआ तो आप चेंज हो जाएंगे, समझ रहे ना। क्या बोल रहा है, ये भी ठीक था सौ वाला, क्योंकि इसमें भी आसानी दिख रहा है। ये हमारा CP है, अगर CP हमारा 100 है तो कह रहा है कि मार्क प्राइस 100 से 40 अधिक, तो हमने 40% अधिक कह रहा है तो 40 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसी पर तो कहीं छूट देगा, तो बीच में कहीं SP रहता है, तो इसी पर छूट दिया कितने प्रतिशत का, तो 25% का, तो 40 पर 25% की छूट, यानी 75 शेष रह गए हैं, तो इसी को हमने सॉल्व किया है, तो ये 105, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना, 105। इसका मतलब ये है कि जो 100 की वस्तु, ये तो अब SP हो गया, क्योंकि CP और MP के बीच में ही कहीं SP होता है, तो अब 100 की जो वस्तु है वो कितने में बिक गई, 5 में। देखिए 100 की वस्तु है 105 में बिक गई, तो इसका मतलब कि हमको 5% का लाभ हुआ है, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार आप वीडियो को जो है आगे पीछे करके देख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइए, जीवन में आगे बढ़ना है तो नोट्स बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो फिर आप मुझे ढूंढेंगे, अगर पढ़ाई आपकी जारी रहेगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में और मेरी आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी। आप, मैं बच्चों को तैयारी भी करवाता हूँ, आप जानते भी होंगे, जो बच्चे मुझे जानते हैं, बड़े बच्चों की तैयारी भी करवाता हूँ, तो ये जो है बड़े होंगे तो आपको तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपकी चीज़ें यूज होगा, बस इसका लेवल हाई हो जाएगा। मैं अभी से आपको उसी टाइप की चीज़ें बता रहा हूँ। ये खेल जो है ना ज़्यादा दिमाग का है, कैसे, तो आप खुद ही देख लो कि कह रहा है इसमें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो 100 की वस्तु 140, यानी अंकित मूल्य 140 है, 140 पर 25% की छूट देगा, क्योंकि छूट हमको अंकित मूल्य पर ही मिलता है, तो ये हमारा छूट हो गया, तो यानी 25% की छूट देंगे, यानी 75% की वैल्यू निकालना है, तो 140 और गुणे 75, 140 और गुणे 75, और ये तो 25 75, अब 25 चौके 100, और ये कटा देंगे तो ये 35 चौके होता है, 35 चौका 140 होगा, अब 35 105, ये 105, यानी 100 की जो वस्तु है 105 पे, यानी 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना ही हम लोग रहने देते हैं, मैं शुरू में ही बोला हूँ, हो सकता है कि कोई टाइप आपको कम लग रहा होगा, इसलिए कि मैं टाइप नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी जो है जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, घबराइए नहीं, जुड़े रहिए चैनल के साथ, थोड़ा सा आप जो है टाइम दीजिए, वक्त को वक्त देंगे तो वक्त भी आपको कुछ ज़रूर देगा,
तो जो है आप थोड़ा सा जो है जुड़े रहिए, सारी जो है टीम मेरी काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।